नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक सिंपल स्टफ्ड वेजीज की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हम तवे पे फ्राई करेंगे और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी डिश है। हम इससे ज्यादातर पंता भात यानी कि पखाड़ों के साथ सर्व करते हैं, पर आप चाहें तो इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। और आज हम इसमें समर्स में ज्यादातर अवेलेबल होने वाले वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। और ये जो स्पेशल मसाला इसके लिए हम बनाएंगे, आप चाहे तो किसी भी वेजी के अंदर स्टफ करके फ्राई कर सकते हैं। अब और देर ना करते हुए चलिए इस ओडिया रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेजीज को कट करके प्रिपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम परवल, जिसे ओडिया में छचिंद्रा और इंग्लिश में स्नेक गाउट कहा जाता है। तो पहले हम परवल को ऊपर से थोड़ा सा स्क्रेप आउट कर लेंगे और एंड्स को कट करेंगे। इसी प्रकार बाकियों को भी प्रिपेयर करें। फिर इन्हें सिलिंड्रिकल वे में चंकी पीसेस में कट करें और बीच में एक स्लिट दे दें, जैसे कि हम मसाले को स्टफ कर पाएं। अब इसी प्रकार हम भिंडी को भी लेंगे। यहाँ पे हमने करीबन 12 से 14 भिंडियों को लिया है। भिंडी के एंड्स को भी कट करें और बीच में से स्लिट कर लें। इसके साथ हम 4 कद्दू के फूल यानी कि पम्पकिन फ्लावर और 2 टमाटर लेंगे। अब चलिए मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक ब्लेंडिंग पॉट में 4 बड़े चम्मच लहसुन की कलियों को डालेंगे, 4 हरी मिर्चों को तोड़ के डालेंगे, 3 मध्यम आकार के प्याज को रफली चॉप करके डालेंगे और साथ ही साथ जाएगा 1 टीस्पून जीरा, कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, फिर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आखिर में 1 टेबलस्पून पानी डाल के दरदरा से पीस लेंगे। अब मसाला पीस चुका है और ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और टेस्ट को एनहांस करने के लिए 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल के अच्छे से मिला लेंगे। फिर मसाले को थोड़ा सा थिकन करने के लिए हम 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। मसाले को थिकनेस देने के साथ साथ बेसन वेजीज में स्टफिंग को इंटैक्ट करके रखेगा। बेसन को भी मिलाएं और फिर हमारा मसाला बनके तैयार है। अब बारी है वेजीज को स्टफ करने की। अब हम एक कटे हुए परवल के पीस को लेंगे और मसाले को जेनरसली स्टफ कर लेंगे। इसी प्रकार सारे परवल के पीसेस को हम स्टफ कर लेंगे। फिर सेम प्रोसेस फॉलो करके भिंडी को भी स्टफ करेंगे। अब हम टमाटर को ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे जितना हो सके मसाले को उसमें भर लेंगे।
आप चाहें तो पल्प को निकाल के भी मसाला भर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे टमाटर को भी हम स्टफ कर लेंगे। कद्दू के फूल के डंठल को थोड़ा सा काट लें, फिर इसे बीच में से स्लिट करके अंदर का जो येलो वाला पार्ट है उसको निकाल लें और मसाले को भरे। अब चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम तवे को गर्म करेंगे और 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल डाल के थोड़ा सा फैला लें, फिर तेल गर्म होने पर स्टफ किए हुए वेजिटेबल्स को हम एक एक करके रखेंगे। स्लिटर स्टफ किए हुए साइड को हम नीचे की तरफ में रखेंगे, जैसे कि बेसन के वजह से स्लिट सील हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से पक सके। इसी प्रकार हम टमाटर को रखेंगे। हमें इसे कवर करके धीमे आंच पे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है, जैसे कि वेजीज सॉफ्टन हो जाए और साथ में पक जाए। बॉटम साइड पकने पर हम इसको फ्लिप करेंगे। और सेम प्रोसेस फॉलो करके दूसरे साइड को भी पका लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पकने पर हम थोड़ा सा चार्ड मार्क्स लाने के लिए हाई मीडियम हीट पे वेजीज को पकाएंगे, जैसे कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब भी अच्छी तरह से पक चुका है, हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। और फिर से तवे में हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और भिंडी को फ्राई करेंगे। इसे भी हमें कवर करके धीमे आंच पे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉटम साइड को पहले पका लेना है और फिर फ्लिप करके सेम प्रोसेस फॉलो करके दूसरे साइड को पका लें। फिर एक अच्छा चार्ड फ्लेवर और कलर लाने के लिए हाई मीडियम हीट पे फाइनली पका लें और पकते ही प्लेट पे निकाल दें। अब सेम प्रोसेस फॉलो करके कद्दू के फूल को भी हम थोड़ा सा तेल डाल के पकाएंगे, पर कद्दू के फूल को पकाने के वक्त हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। धीमे आंच पे ये करीबन 2 से 3 मिनट में पक जाएंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पकाएं और बीच बीच में फ्लिप करते रहें और फिर इसे भी एक प्लेट पे निकाल दें। अब सारे वेजीज पक्के तैयार है। हम इसे एक सर्विंग प्लेट में असॉर्ट करके रखेंगे, फिर दाल चावल या फिर आप पांता भात के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व करें। इस मसाले को आप किसी भी वेजी में स्टफ करके बना सकते हैं और ज़्यादातर ये मसाला पटेटो यानी कि आलू, करेला, परवल, प्याज और बड़े वाले मिर्च में अगर आप स्टफ करके बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले। Until then, happy cooking and stay tuned for more recipes.